दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि कहीं पे किसी प्रोफेसर के पास या साइंटिस्ट के पास या किसी कंपनी के अंदर मेल भेजना चाह रहे होंगे और वहाँ पे किसी भी तरह के प्रोजेक्ट की पोजीशन का पता लगाना चाह रहे होंगे। तो ये लोगों को मेल भेजने का जो है एक प्रोफेशनल तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से करते हैं तो आपके चांसेस जो हैं वापस से मेल का रिप्लाई आने के वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो तरीके जो मैंने अपनी लाइफ में हमेशा अपनाए हैं और जिसकी वजह से मेरे मेल आने के जो चांसेस थे, जो वापस से रिप्लाई आने के, वो उसकी वजह से काफ़ी बढ़ गए हैं। तो मैं इस पूरे के पूरे मेल लिखने के तरीके को आपको कॉमन सेंस से रिलेट करके बताना चाहता हूँ। तो आप ऐसे समझिए कि अगर कोई आदमी बहुत एक प्रोफेसर या साइंटिस्ट एक बहुत अच्छी पोजीशन पर कहीं बैठा है, कहीं पर है, तो नेचुरल सी बात है कि अगर आप उसे इम्पोर्टेंट फील नहीं कराएंगे प्रोफेशनल तरीके से तो वो आपको क्यों रिप्लाई करेगा। तो मेरा सबसे पहले रिस्पॉन्स क्या होता था कि अगर मैं किसी को मेल लिख रहा हूँ तो उसके टू के बाद में उस साइंटिस्ट का नाम और उसके बाद में प्रॉपर उसका जो डेजिग्नेशन है या फिर जो जहाँ से वो बिलोंग करता है, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स केमिस्ट्री, उसका नाम और प्लस यूनिवर्सिटी का नाम। तो ये सिग्निफाई करता है नंबर वन थिंग कि आपने केवल उसी पर्सन के लिए मेल भेजा है। मतलब ये मेल जेनरिक नहीं है। मैंने ऐसी लाइफ में गलती की है कि मैंने एक ही मेल उठाया और पता चला कि 30 अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोगों को भेज दिया तो और पता चला कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है सामने वाला। उसके पास में ऐसे इस तरह के स्पैम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। आप ये बेवकूफ़ या ना करें, अगर आप उसे मेल का रिस्पॉन्स की उम्मीद करते हैं तो आपको बहुत स्पेसिफिक मेल लिखना चाहिए कि हाँ, सामने वाला खोले तो उसे लगे कि ये उसी के लिए ही मेल है। तो ये चीज़ बहुत कॉमन सेंस ही है पर कई लोग मिस कर देते हैं, जो मैंने भी कभी की थी। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही सामने वाला मेल खोलता है उसे समझ में आता है कि हाँ ओके, ये मेरे लिए ही है, तो अब वो जानना चाहता है कि भाई हु आर यू, मतलब आप कौन हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। तो आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका ये इंटरेस्ट है। एंड द वेरी नेक्स्ट थिंग द पर्सन वॉन्ट्स टू नो इज़ कि तुम्हें मेरे में क्या इंटरेस्ट है, व्हाट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, राइट। तो आपको उसका आंसर इस तरह से नहीं कि आप मान लीजिए बहुत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और मेरे को बहुत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है या मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है आपका रिसर्च, इस तरह से एक वेग आंसर नहीं देना है। आप स्पेसिफिकली अगर आपको उसका काम पढ़ना है कि हर एक का साइंटिस्ट का अपना एक रिसर्च इंटरेस्ट होता है, वो उसने अपने वेब पेज पे डाल रखा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है। अगर नहीं होता है तो थोड़ा आप पबमेड पे या कहीं पे जाके रिसर्च कीजिए और पता लगाइए कि उसकी लैब में ऑनगोइंग रिसर्च क्या है। तो आपने जो है उसको ये बताया कि आप सबसे पहले मैं ये बताया कि भाई ये मेल आप ही के लिए, उसके नाम एंड डेजिग्नेशन से, उसके बाद में आप कौन हैं। थर्ड, आपने ये बताया कि आपको उसके काम में जो है सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है और वो सामने वाले को समझ में आता है कि आप जो है उसको स्टडी करके आ रहे हैं, आप उसके काम को देख के आ रहे हैं, तो सामने वाले को समझ में आता है कि यू आर प्रोफेशनली इंटरेस्टेड, यानी आपने उसके काम को अप्रिशिएट किया सिंसियरली। लेकिन आप पर्सनल लेवल पर ना उतर जाएं, मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना कि कम्युनिटी बेसिस पे चले जाते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता हूं या इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हूं, तो आप उस तरह से अपने कनेक्शन बनाना चाहें तो ये हरकतें ना करें, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये प्रोफेशनलिज्म का पार्ट नहीं है। और इन एनी केस अगर आप ऐसे सेलेक्ट हो भी जाते हैं तो आप ऐसे समझिए कि आपको इवेंचुअली तो उस लैब में या उस प्लेस पे सर्वाइव करना है। और अगर आपका माइंडसेट कम्युनिटी वाला है कि कम्युनिटी बना बना के हम आगे पहुंचेंगे, तो इवेंचुअली आप लैब के अंदर एक अच्छे फिट नहीं होंगे, लोग आपसे कटने लगेंगे, क्योंकि आप मतलब एक तरह से गलत तरीके से वहाँ पे पहुँच गए हो, यानी कि आपके अंदर काबिलियत नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी, बट स्टिल यू आर देयर, तो ऑब्वियसली लोग जो हैं आपके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना करें, इसीलिए मैं आपको प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ कि आपने उनका काम पढ़ा, आपको उसके काम में जो जेन्युइनली अच्छा लगा, आपने उसके बारे में सिंसियरली अप्रिशिएट कर दिया, इससे सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ, ये मेल मेरे लिए है और इसने मेरे काम को पढ़ा है और तवज्जो दिया है। उसके बाद द वेरी नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब आपने उसके काम को तवज्जो दिया, देन ऐसे भी नहीं कि नहीं आप ही महान हो और मेरे तो मतलब मैं तो बहुत गरीब जगह से आ रहा हूँ या मैं तो कुछ है ही नहीं। आपने ये भी बताया कि आपकी ट्रेनिंग किस में हुई है, वो आपको भले थियोरेटिकल नॉलेज है, मान लो आप BSc में हो तो ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर जो आपको थियोरेटिकल नॉलेज है तो वो, अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, आपने कहीं पहले ट्रेनिंग कर रखी है, कुछ कर रखा है, तो आप उसको वो भी बताइए। तो ये आपका एक स्टेंजा कवर कर लेगा कि आपकी कैसे कैसे ट्रेनिंग हुई है, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग हुई है, क्या क्या आपने किया ब्रीफ के अंदर। लोगों के पास टाइम नहीं है और लोगों का पेशेंस वैसे ही आजकल ख़त्म हो गया है, तो आप जितना ब्रीफ में बताएं उतना बेहतर है, राइट।
और उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप उसमें ये बता रहे हैं कि देखिए आपका काम ये है, ये आपने डिस्क्राइब कर दिया, मेरा काम ये है, मैंने ये सीख रखा है, एंड देन यू कैन टेल देम कि भाई हम अगर दोनों लैब में एक साथ अगर काम करते हैं या जिस भी प्लेस पे, वो मान लो कंपनी का प्लेस है, अगर हम काम करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सपर्टीज़ है और मेरा जो काम करने के स्किल्स हैं वो कितना अच्छा एक मैच हो सकते हैं, हाउ गुड दैट कुड बी। तो वो आपने सामने वाले को यू नो ऐसे समझ में आ गया कि हाँ ये पर्सन जो है वो काफ़ी मतलब काम का है और शायद इससे जो है मैं कुछ काम करवा भी सकता हूँ, ये आपने बता दिया, एंड देन आप जो है उसको लाइक यू कैन एंड विद लाइक कि आई लुक फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग माई आइडियाज़ विद यू या इस तरह से, एंड देन थैंक यू फॉर योर अटेंशन या समथिंग लाइक दैट। ये तो पूरा हुआ एक तरह से आपने मैसेज का, मैं बॉडी बता रहा हूँ स्पेसिफिकली क्या क्या मैं लिखता हूँ या क्या मैंने अपने पास्ट में लिखा है जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई कर रहा था और उसके बाद मैं जब दो जगह से मेरे को पोजीशन भी मैंने जनरेट कर ली थी, वो जो मेल्स हैं या वो जो तरीका है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कीजिएगा तो उसकी जो PDF फाइल है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक और मैंने लिंक शेयर कर रखा है NCBI का, वो भी आप देख सकते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन सब के अलावा जो है आपको जो अपना CV है वो आपको ध्यान रहे कि वो आपको हर हाल में अटैच करना है। CV कैसे बनाया जाता है इफ़ेक्टिव वो मैंने अपने एक पिछले वीडियो के अंदर कवर कर रखा है जो कि आप जाके देख सकते हैं। जानता हूँ वो थोड़ा सा लंबा है, 18 मिनट का है, लेकिन उसमें टू दी पॉइंट मैंने बात की है और क्या क्या आपको करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से आप अगर उसको उसका टेम्पलेट देखना चाहिए कि कैसा मैं CV लोगों को भेजता हूँ तो वो भी उस जो वीडियो है उसके CV के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने अपना टेम्पलेट भी अटैच कर रखा है PDF का कि किस तरह से जो है मैं लोगों को CV भेजता हूँ। तो ये एक तरीका जो है थोड़ा प्रोफेशनल निकल के आता है कि आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा कुछ इस तरह से है कि आप उससे मतलब यू आर डीलिंग ऑन द इक्वल बेसिस, आप ऐसे नहीं कह रहे कि मैं आपसे पिछड़ा हूँ या मैं आपसे बुरा हूँ या अच्छा हूँ, ना तो आपको अपने आप को सुपीरियर बताना है ना आपको इन्फीरियर बताना है। यू नीड टू डील द पीपल विद द इक्वल माइंडसेट कि हाँ मैं भी इक्वल एंड यू आर ऑल्सो इक्वल और हम कुछ कर सकते हैं, ना ऐसे ध्यान रहे क्योंकि ये और ये दोनों केस ही खतरनाक है ना, इससे आपके चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे अगर आप ये होते हैं या ये होते हैं। लास्ट में मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सब भेजने के बावजूद भी कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत दुनिया का बेस्ट मैं आपको मेल बता रहा हूँ कि ऐसे होगा तो आपको 100% रिप्लाई आएगा, ऐसा कोई रेट नहीं है। इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे हैं जो हो सकता है आपके मेल पढ़ेंगे लेकिन रिप्लाई नहीं करेंगे या उनके पास सिंपली पोजीशन नहीं है या सिंपली उनमें ये कह सकते हैं कि उनको टाइम नहीं है, कट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी मेल आने की जो रिप्लाई आने की जो फ्रिक्वेंसी रहती थी वो 2 out of 10 रहती थी, यानी अगर मैंने 10 जगह मेल भेजे हैं तो ऑन एन एवरेज मेरे को 2 जगह से वापस रिप्लाई आ ही जाता था। वो रिप्लाई कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है मेरे में फ़र्दर इंटरेस्ट दिखा रहा हो कि इंटरव्यू किया जाए, वो हो सकता है ऐसे बता रहा हो कि नहीं सॉरी मेरे पास पोजीशन नहीं है या थैंक यू मिस्टर प्रियंक फॉर योर इंटरेस्ट इन माय लाइफ, वॉट एवर इट कुड बी, लेकिन 10 में से 2 के करीबन तो रिप्लाई आ ही जाते थे। तो दैट यूज़ टू बी माई फ्रिक्वेंसी, बट इट कैन वेरी बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड एंड बेस्ड ऑन द योर कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल्स। सो आज के लिए इतना ही, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय विज्ञान।